नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे फिर से एक न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग आपको पेनियानाथ मंदिर का दर्शन कराने वाले हैं, जो कि हमारे बुजुर्गों का कहना है कि ये मंदिर बहुत पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है और आध्यात्मिक भी माना जाता है, जो कि आज हम आप लोग को इस मंदिर का दर्शन करवाने वाले हैं। ब्लॉग में बने रहिए। गाइज, हम लोग मंदिर अभी इंटर कर चुके हैं, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। यही मंदिर का आपको दर्शन करवाने वाले हैं हम। पीछे जो ये गेट है, ये मेन गेट है जिससे लोग इंटर करने वाले हैं। अभी हम लोग इंटर करते हैं, उसके बाद आपको व्यू दिखाते हैं अंदर का, किस तरह सजा हुआ है मंदिर। ये आप देख सकते हैं, ये कुआं है जिससे श्रद्धालुगण नहा धोकर यहाँ पर पूजा करने आते हैं। इसी से जल भर के मंदिर में चढ़ाया जाता है। जो श्रद्धालुगण यहाँ पे पानी नहीं भर पाते हैं कुआं में, उसके लिए अलग से चापाकल और नल भी लगा हुआ है, जो कि यहाँ पे नहा धो के तैयार हो चुके और पूजा करने के लिए जा सके। आप देख सकते हैं ये छोटे छोटे भोलेनाथ जी का शिवलिंग है, शिवलिंग रखा हुआ है जो कि बेल गाछ के नीचे था। और ये पीपल का पेड़ है जिसमें आप देख सकते हैं कितना कच्चा धागा बांधा हुआ है, जो कि माता बहने इस पेड़ में बांध के अपना मनोकामना पूरा करते हैं। बहुत विशाल ये पेड़ है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा। और ये देख लीजिए, ये है यहाँ पे घंटी लगाया हुआ है मंदिर का। चलिए आगे आपको दिखाते हैं। आगे हनुमान जी का मंदिर है, आपको दर्शन करवाते हैं हनुमान जी का। आप देख सकते हैं, जो कि विशालकाय बजरंगबली का मंदिर है और मूर्ति भी बना हुआ है, जो कि हमारे दिल से फीलिंग जुड़े हुई है। ये राम जी का मंदिर है, इसमें राम लक्ष्मण और सीता माँ है। ये गाइस भोलेनाथ का मंदिर है। आप भोलेनाथ जी का दर्शन कर ही लिए होंगे वीडियो में। ये हमारे श्री नंदी जी महाराज है और ये गणेश जी का है, जो कि भोलेनाथ जी के मंदिर के आगे ये दोनों है। और अब माँ पार्वती के आपको दर्शन कराते हैं।
देख लीजिए आप, ये माता पार्वती का मंदिर है। जो कि अभी सावन ख़त्म हुआ है इसीलिए यहाँ पर अभी उतना भीड़ भी नहीं है। भीड़ में क्योंकि आपको दर्शन सही से हो नहीं पाता, इसीलिए हम लोग सावन के बाद यहाँ पर वीडियो शूट करने के लिए आए हैं। और इधर हनुमान जी का ही है मंदिर, जो कि बहुत छोटे से हैं और कहा जाता है कि ये यहाँ से प्राकृतिक ही निकले हुए हैं, अंग्रेजों के ज़माने का ये है। ये हमारे माता संतोषी जी है, माँ संतोषी का आपको दर्शन कराए अभी वीडियो में। ये सद्गुरु महाराज जी का फोटो लगा हुआ है और यहाँ पे देखिए माँ काली माँ की प्रतिमा लगी हुई है, देख लीजिए आप माँ काली की प्रतिमा। और आपको कमेंट में आप लोग भी लिख दीजिए जय माँ काली और जय भोले बाबा। आप देख सकते हैं गाइस, हमारे महापुरुषों का भी ये कहना है कि ये माँ काली का भी मंदिर जो है पहले से ही यहाँ पर निकला हुआ था, जो कि यहाँ के भक्त भक्त जनों ने इसे मतलब अपने तरह से इसे बनाकर बड़ा किया। ये प्राचीन ज़माने का ही है। इधर आप देख सकते हैं कितना शिवलिंग रखा हुआ है, जो कि कहा जाता है कि यहाँ पे आध्यात्मिक तरह से ये सब निकला हुआ है। देख सकते हैं आप कितना शिवलिंग है यहाँ पर। गाइज अभी हम लोग मंदिर में ही हैं और आपको देवी देवताओं का तो दर्शन करा ही दिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं पीछे का व्यू, जो कि नदी है, यहीं पे श्रद्धालुगण भी नहा के यहाँ पे पूजा करते हैं और यहाँ पे छठ पूजा भी मनाए जाते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं पीछे का व्यू और आप देख सकते हैं अभी हम मंदिर में ही हैं। अभी आपको श्रद्धालुगण नहीं दिख रहा होगा क्योंकि अभी हम लोग आए हैं, क्या अभी तो पूजा करने के लिए कम ही लोग आते हैं, क्या कि सावन ख़त्म हो गया और कहा जाता था कि यहाँ पर जो भी मनोकामनाएँ मांगा जाता है वो पूर्ण हो जाता है। ये दान पेटी है गाइस, और इस दान पेटी में आप लोग तो अभी पैसा जमा नहीं कर सकते, इसलिए कमेंट में लिख दीजिए हर हर महादेव। आपको पीछे का व्यू दिखाते हैं, दिया जिसका हम लोग बात कर रहे थे। और ये अपना बिहार है इसीलिए नदी तो स्वच्छ नहीं दिख रहा होगा क्योंकि सरकार ये सब पे ध्यान नहीं देता है। मौसम का नज़ारा आप देख सकते हैं कितना धूप है, और ये धूप में हम लोग शूट करने के लिए आए हैं सिर्फ आप सबके लिए। और आप सब सपोर्ट करना चाहते हैं तो ये वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, क्योंकि आप ही लोग को भरोसे पे आते हैं यहाँ पे मनोकामना मंदिर पूरा करने के लिए। देख लीजिए ऐसे मंदिर का व्यू आप लोग।
गाइज आप लोग को पैनियानाथ मंदिर का पूरा दर्शन कराए दिए, और आज का व्लॉग यहीं पर अंत करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अगर व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।